हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पिरहाना मूवी के बारे में। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम एक आदमी को बोट में लेक के बीचों बीच देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। उसी वक्त अचानक से वो देखता है कि लेक के अंदर एक बवंडर सा उठने लगता है और उस वक्त वो उस बवंडर में इतनी बुरी तरीके से फंस जाता है कि वो अपनी बोट के साथ ही वहाँ गिर जाता है। और वो जब गिरता है तो वहाँ पर मछलियों का ढेर आकर उसे बुरी तरीके से चबाने लगता है, जिसकी वहीं पर मौत हो जाती है और उसकी शरीर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम एक जैक नाम के लड़के को देखते हैं जो कि लेक के किनारे गया होता है, जहां पे एक बहुत ही शानदार पार्टी चल रही होती है। तो उसी वक्त उसकी मुलाकात एक डैनी नाम के आदमी से होती है जो कि लड़कियों की वीडियो शूट किया करता था। और वो जेक से इस चीज़ की मदद मांगता है कि तुम कल आकर मुझे एक ऐसी जगह बताना जहाँ पर हम जाकर बहुत अच्छी वीडियो शूट कर सकते हैं। और जब जेक अपने घर में होता है तो हम देखते हैं कि उसकी मॉम, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी, वो उसके पास आकर बोलती है कि तुम्हें अपने दोनों छोटे भाई बहन का ध्यान रखना होगा क्योंकि मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे अभी जाना होता है। उसके बाद उसकी मॉम को कॉल आता है और वो एक बोट को रेस्क्यू करने के लिए पहुँचती, और ये वही बोट थी जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। और वहाँ पहुँचने के बाद जब वो बोट को चेक करने की कोशिश कर रही होती है तो उसी वक्त उनका पाँव फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती हैं, और उनके सामने एक खतरनाक ऐसी डेड बॉडी आ जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा घिनौनी दिखाई दे रही थी। और ये डेड बॉडी किसी और की नहीं, उसी आदमी की थी जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और क्योंकि जेक लेक पर जाना चाहता था, इसलिए वो अपने भाई बहनों को कुछ पैसे देकर और ये कहकर कि तुम घर पर ही रहोगे, वहाँ से उन्हें अकेला छोड़कर चला आता है। जिसके बाद जैक लेक पर पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात उसकी दोस्त केली से होती है। और उसी वक्त डैनी पहुंच जाता है जो कि जैक के साथ साथ केली को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, और केली क्योंकि जैक की दोस्त थी तो इसलिए वो भी उनके साथ बोट पर चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक के दोनों छोटे भाई बहन मछली पकड़ने के लिए वापस से बोट से लेक की तरफ निकल जाते हैं, पर अफसोस वो दोनों एक आइलैंड पर फंस जाते हैं क्योंकि उनकी बोट वहां से चली जाती है। उसके बाद जैक के सिस्टर सामने दिख रही बोट से मदद मांगने के लिए पानी में उतरती, तो उस वक्त उसके पाँव में कुछ चुभ जाता है जिसकी वजह से उसके पैर से खून निकलने लगता है। और हाँ, हम देखते हैं कि पानी में एक अजीब सी हलचल होती है और वो मछली उसका खून सूंघ के उसके पास बढ़ी रही होती है, पर अचानक से वो अपनी जान बचाकर पानी से निकल आती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जैक की मॉम गोताखोरों के साथ उस जगह की जाँच करने के लिए पहुँचती है जहाँ पर हम देखते हैं कि दो गोताखोर जब नदी के अंदर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है एक लेक के नीचे दूसरी लेक भी मौजूद है, और वहाँ पे कुछ उन्हें अजीब सी चीज़ दिखाई देती है जो कि हम देखते हैं तो वो मछली के अंडे थे, जिसके अंदर वही मछली जिनका नाम पिरहाना था और ये यहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में पनप रही थी। और इसी दौरान हम देखते हैं कि उनमें से एक को एक मछली अचानक से काट लेती है जिसके हाथ में से खून निकलने लगता है। और उसी वक्त जब वो वहाँ पे लाइट जलाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारी मछली आकर उसे घेर लेती हैं। हालांकि उसको बचाने के लिए लड़के के साथ मौजूद लड़की उसे किसी तरीके से वहाँ से खींच के ले जाती है, और जब बोट में मौजूद ऑफिसर को ये पता चलता है कि नीचे कुछ प्रॉब्लम है तो वो उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरता है। और उसके बाद जब वो डेड बॉडी को लेकर आता है तो वहाँ पर उसके साथ एक मछली भी बाहर आ जाती है, जिसके बाद जूली और वो ऑफिसर उस मछली को लेकर एक ऑफिसर के पास पहुँचते हैं जो कि मछलियों पर ही रिसर्च कर रहा था। और वो उस मछली को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो कहता है कि इनकी प्रजाति बहुत समय पहले ही खत्म हो चुकी है, तुम्हें ये कहाँ से मिली? तो वो लोग बताते हैं कि ये लेक के अंदर है और इनकी तादाद हज़ारों में है। ये सुनने के बाद वो ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा परेशान और कहता है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इनका वार कभी भी खाली नहीं जा सकता। फिर हमें नेक्स्ट सीन डैनियल की बोट का दिखाया जाता है जहां पर जब जेक वीडियो शूट कर रहा होता है तो उसी वक्त उसे आइलैंड पे अपने भाई बहन दिखाई देते हैं जो कि मदद के लिए आवाजें लगा रहे थे। ये देखने के बाद वो डैनियल को कहता है कि मुझे मेरे भाई बहन की मदद करनी है, वो लोग मुसीबत में है। हालांकि पहले तो डैनियल इस चीज के लिए मना करता है, पर जब जेक ये बात बताता है कि उसकी मॉम पुलिस ऑफिसर है तो वो चुपचाप वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। और उसी वक्त हम देखते हैं कि पानी में वीडियो शूट करा रही लड़की का आधा शरीर मछलियां बहुत ही बेरहमी से खा लेती हैं और उसका आधा ही शरीर पानी से बाहर आता है जो कि बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। और इधर लेक पर पहुंचकर पुलिस ऑफिसर लेक में मौजूद सभी लोगों को पानी से बाहर निकलकर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कन्विंस करते हैं, पर वो कोई भी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उस वक्त तक उनके सामने कोई भी खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। और बच्चों को बचा के लाने के बाद जब वो लोग बोट से वापस जा रहे होते तो उस वक्त उनकी बोट का इंजन किसी चीज में फंस जाता है जिसकी वजह
से डैनी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और सारी चीज़ों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जैक को मानता है और कहता है कि तुम मेरे खिलाफ यहाँ पर साजिश कर रहे हो, तुम मेरे खिलाफ विरोध कर रहे हो। जिसके बाद जेनेट खुद उस बोट को निकालने की कोशिश करता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेक की हालत भी अब धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी और समुद्र में यानी कि लेक में मौजूद जितने लोग थे वो एक एक कर उन मछलियों का शिकार होने लगे थे, जिसकी वजह से पूरे लेक में हड़कंप मचने लग गई थी और लोग इधर उधर भागने लगे थे। और शायद अब जाकर उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि जो ऑफिसर बात कह रहे थे वो एकदम सही थी। और ये मंजर इस शहर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला था, क्योंकि इस वक्त सैकड़ों की संख्या में एक ही समय पर बहुत ही बेरहमी से लोगों की जान जा रही थी और लोग खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, पर सभी लोग इस चीज में नाकामयाब थे। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनेट भी अपनी बोट निकालने की पूरी पूरी कोशिश करता है और वो जब जबरन अपनी बोट वहां से निकाल लेता है तो उसकी बोट जाकर एक चट्टान से टकरा जाती है और नीचे लगा शीशा टूट जाता है और सारा पानी बोट के अंदर आ जाता है। इस वक्त बोट के अनबैलेंस होने की वजह से जेनेट और उसके साथ मौजूद एक लड़की लेक में गिर जाती है और वहां पर मछलियां उस लड़की को घेर कर बहुत ही बेरहमी से चबा चबा कर खा जाती हैं। और यहां पे जेनेट भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बोट पर मौजूद लड़की उसे ऊपर लाने की काफ़ी कोशिश करती है, पर जब तक वो उसे ऊपर लाती है उसका आधा शरीर मछलियाँ खा चुकी थी। और वहीं केली भी बोट के अंदर फंसी हुई थी। जैक उसे निकालने की काफ़ी कोशिश करता है पर वो उस वक्त नाकामयाब रहता है। और वहीं लेक की कंडीशन बस से बदतर होती जा रही थी। ऑफिसर वहां पे बचाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे पर लोग एक एक कर बहुत ही बेरहमी से मारे जा रहे थे। और यहां पे ऑफिसर बोट के इंजन की मदद से मछलियों को रोकने की काफ़ी कोशिश करता है पर मछलियाँ उस पर भी हमला कर देती हैं जिससे वो भी बेरहमी से मारा जाता है। और उसी वक्त जेक अपनी मॉम को फ़ोन करता है और बताता है कि मॉम हम लोग फंसे हुए हैं। सुनने के बाद उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उन्हें ये पता था कि उनके सभी बच्चे घर पर सुरक्षित हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ हो, तो वो बताते हैं तो कि मॉम बोट लेकर उस ऑफिसर के साथ वहाँ से निकल जाती हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद जैक की मॉम सबको रस्सी के सहारे अपनी बोट तक ले जाने की कोशिश करती हैं, पर यहाँ पहुँचने के बाद जैक ये बात कहता है कि मैं केली को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता क्योंकि वो मेरे ही भरोसे आई थी। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं उसको लेकर आऊँगी, तुम यहाँ से चलो, पर जैक इस चीज़ के लिए साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद जैक की मॉम उसके भाई बहन और बोट में मौजूद एक और लड़की रस्सी की मदद से दूसरी बोट तक जाने की कोशिश करते हैं, तो उस दौरान वो लड़की रस्सी से नीचे लटक जाती है जिस वक्त मछलियां उस पर हमला कर देती हैं और उसे बुरी तरीके से खा लेती हैं। जिसके बाद बाकी लोग सुरक्षित उस बोट पर पहुंच जाते हैं और वहीं जैक मछलियों का ध्यान भटकाने के लिए जेनेट की बॉडी को पानी में फेंक देता है ताकि मछलियां उसमें मगरूर हो जाएं और वो केली को बचाकर वापस ला सके। और बोट के अंदर जाने के बाद जैक वहां से एक फायर टॉर्च निकालता है और साथ ही साथ वहां पे गैस सिलेंडर खोल देता है और केली को बचाने के लिए वहां से रस्सी में बांध कर और अपनी मॉम को कहता है कि मेरे इशारा देने के 10 सेकंड बाद हम दोनों को यहाँ से खींच लेना। और वो गैस सिलेंडर के पास वो फायर टॉर्च फेंक कर वहां से निकल आता है, जिसके बाद वो बोट पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है और वहां पर आसपास मौजूद जितनी मछलियां होती हैं वो बेरहमी से मारी जाती हैं। और फिर केली और जैक सही सलामत बोट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी जैक की मॉम को प्रोफेसर कॉल करके बताता है कि जो मछली तुमने मुझे लाकर दी थी उसमें एक बहुत ही अजीब बात है, और वो अजीब बात ये है कि जो मछली तुम लाए थे वो सिर्फ अभी बच्चे हैं, यानी कि उनके माँ बाप अभी तक जिंदा हैं। और इसका सीधा मतलब यही निकलता था कि ये मछलियाँ यानी कि जो पिन्हाना मछलियाँ हैं ये अभी बड़ी हो जाएंगी। और वो लोग ठीक से इस बात को समझ नहीं पाते कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मछली आकर उस ऑफिसर पर हमला कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।